गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है गुड हाउसकीपिंग का, हॉस्पिटल का जो रख रखाव अपन रखते हैं उसका जो लास्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ द स्टेंस, यानी अपने जो सामान के ऊपर जो धब्बे बन जाते हैं अलग अलग ब्लड के, सीरम के, पेंट के, पसीने के, मेडिसिन के, चाय के, कोई भी सब्जी के, अपने तेल के, किसी भी प्रकार के धब्बे बन जाते हैं जो उसके ऊपर, वो जैसे बेडशीट के ऊपर कोई मेडिसिन गिर गई, चाय गिर गई, कॉफ़ी गिर गई, ब्लड गिर गया, ज़्यादातर हॉस्पिटल ब्लड के धब्बे ज़्यादा बनते हैं, ब्लड को और ब्लड के धब्बे इतने कठोर, ब्लड या पेंट के धब्बे इतने कड़वे होते हैं या इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एक बार सूखने के बाद में साधारण तरीके से नहीं हटते हैं, यानी उसको हटाना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले सावधान तो अपनी यही रहनी चाहिए कि जैसे ही अपने ब्लड गिरता है तुरंत अपन उसको हटाएं। सूखने के बाद में अपन जब उसको स्टेन रिमूवर से भी हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से हटता है, उसके बाद में भी उसकी थोड़ी बहुत जो निशान है उसका कलर जो है वो चेंज रह जाता है, क्योंकि वाइट बेडशीट के ऊपर अगर ब्लड गिर जाता है आप उसको जब इमीडिएट स्टेन रिमूवर से हटाएंगे, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेन रिमूवर आते हैं धब्बे हटाने के लिए, तो उससे अगर अपन हटाएंगे तो वो बहुत ही ईजी तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर निशान भी नहीं रहेगा। और अगर अपन उसमें देरी करेंगे ड्राई होने के बाद में या एक दिन दो दिन बाद में अपन सबको एक साथ रख देते हैं कि भाई इस चित्र को भी रख दो, इसमें भी ब्लड गिरा हुआ है, इसको भी रख दो, इस सामान को भी रख दो, इस आर्टिकल्स को भी रख दो, तो ये जो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि आर्टिकल्स के भी निशान बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, और फिर जब उसको साफ करते हैं तो वो धब्बे हैं वो पूरे नहीं हटते हैं, उसके ऊपर जमा जो ब्लड है या कोई और कठोर कोई जैसे मान लीजिए बॉडी जो सेक्रेशंस है तो वो क्या है उसके ऊपर चिपका हुआ रह जाता है, उससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, प्लस वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि ऑटोक्लेव करने से उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो तो सारे नष्ट हो जाते हैं, स्टेलाइजेशन तो उसका हो जाता है, लेकिन वो जो बॉडी पार्ट जो चिपका हुआ होता है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता। इसलिए अपने क्वालिटी बनी रहे, लंबी लाइफ रहे, इंस्ट्रूमेंट साफ़ सुथरे दिखाई दें, वार्ड साफ़ सुथरा दिखाई दे, एक तो बेड के ऊपर ब्लड से सनी हुई बेडशीट या वो जो कलर चेंज बेडशीट होती है वो लगी हुई हो, और एकदम एक नीट एंड क्लीन सफ़ेद बेडशीट लगी हुई होती है, एक वो लगी हुई होती है। आप जो बढ़िया हॉस्पिटल है जिसमें व्यवस्था अच्छी है वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप देखना हर चीज़ आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी, फर्श नीट मिलेगा, उसके जो बेड है वो एकदम से अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ, एकदम सफ़ेद जब जो है वो बेडशीट, उसकी कंबल साफ़ सुथरी, उसके कपड़े साफ़ सुथरे, उसके चारों तरफ व्यवस्था पूरी टेबल कुर्सी सब साफ़ सुथरी और अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से मिलेगी, और उसमें दिन में दो तीन बार पोछा लगता है, उसके अंदर जो अपने वर्म्स होते हैं जो अपने कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए स्प्रे होता है, मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे होता है, मच्छरों को भगाने के लिए जो है वो स्प्रे होता है, वो सारी व्यवस्था उसकी साफ़ सफाई के लिए होती है, जो अपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भगाने के लिए, चींटियों को नष्ट करने के लिए उसमें फिनाइल का पोचा लगता है ताकि वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं रहें, ये सब सारी व्यवस्था वहाँ रहती है। तो अपन भी उसमें ध्यान रखें, अपन तभी व्यवस्था बना रख पाएंगे जब कोई अगर मान लीजिए ये तो डेफिनेट है उस हॉस्पिटलों में भी चादरें तो ख़राब होती हैं, उस हॉस्पिटल में भी आपको पता है पेशेंट रहते हैं तो वहाँ पे भी गंदगी होती है, लेकिन वो गंदगी को रहने नहीं देते हैं, वो तुरंत उसकी दिन में दो तीन बार सफाई करवाते हैं, जैसे ही कोई चीज़ गंदी होती है उसको इमीडिएट वहाँ से हटा के और उसकी सफाई करवाते हैं। गंदगी सब जगह होती है, ऐसा नहीं, अपने को तो लगता है कि अरे इस हॉस्पिटल में तो पेशेंट गंदगी नहीं करते, पेशेंट समझदार है, हालांकि जहाँ नियम सख्त होते हैं ना वहाँ सख्त रहना भी पड़ता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था जहाँ सख्त होती है भीड़ नहीं होने देते वो लोग, वो कार्ड सिस्टम रखते हैं, दो एक पेशेंट के पास एक अटेंडर होना चाहिए, अब वो कार्ड सिस्टम के द्वारा उसकी व्यवस्था बनी रहती है, कोई ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत भी नहीं होती, व्यवस्था भी है, कार्ड हो तो अंदर जाओ नहीं मत जाओ, और कार्ड एक को एक ही देंगे दो कार्ड देंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी रह जाती है। अपने जो ऐसे साधारण हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें कोई कार्ड सिस्टम नहीं होता, अपन किसको रोक सकते हैं, किसी को नहीं रोक सकते, व्यवस्था अगर अपन किसी को बोल भी दे तो अगला अपने को बोलेगा भाई साहब मैं तो अकेला ही हूँ उसके साथ, या ये ऐसा बोल देगा कि बताओ क्या नहीं है मैं उसके साथ, वो चार बैठे मेरे को एक को नहीं जाने दे रहे हो या हमें दो को नहीं जाने दे रहे हो, तो ये सारी व्यवस्था ये रख रखाव के अंदर ही आती है, सारा जो मैनेजमेंट जो है पूरा डिसिप्लिन का, पूरे सामान की केयर का, पूरे सामान की सफाई का, ये सब हॉस्पिटल की जो व्यवस्था होती है उसका मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन सब व्यवस्था को बनाए रखेंगे तभी वो हॉस्पिटल आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं,
अगर जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ किसी काम करने की कोई नियम और कानून कायदे नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, तो वहाँ ये व्यवस्था अव्यवस्था दिखाई देती है, वरना सब जगह बहुत अच्छा काम मिलेगा अपने को। तो अपन भी आज इसके अंदर जो है वो स्टेन रिमूवर, यानी अलग अलग धब्बे जो होते हैं अपने कपड़ों पे, इंस्ट्रूमेंट पे, या कोई और किसी फर्श पे गिर जाते हैं, या कोई बेडशीट के ऊपर, या अपने जो अपना मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, उसके ऊपर गिर जाते हैं, तो उसको ऊपर कैसे हटाते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ब्लड का धब्बा सबसे खतरनाक होता है, बॉडी डिस्चार्जेस और ब्लड कभी भी गिर सकता है। कोई एक्सीडेंट पेशेंट आ जाता है, उसका ब्लड बेडशीट पे गिर सकता है, कोई ऑपरेशन वाले पेशेंट का ब्लड गिर सकता है, और कोई साधारण माइनर इंजरी वाला पेशेंट होता है उसका ब्लड गिर सकता है, डिलीवरी होती है उसका ब्लड बेडशीट पे गिर सकता है। तो अपन जो ब्लड के जो धब्बे होते हैं वो अपन कैसे हटाएं, ब्लड स्टेन है वो कैसे हटाएं, उसके बारे में फटेंगे अपन। तो सोक इमिडिएटली इन कोल्ड वाटर हॉट वाटर कोएगुलेंट एंड लीव ए मार्क, व्हेन द स्टेन्स डिसअपीयर वॉश देम इन वार्म सोप वाटर। ये बोल रहा है कि तुरंत ब्लड का धब्बा, जैसे ही ब्लड गिरा, गिरते ही आप अगर उसको सबसे पहले आपको ठंडे पानी से धोना है। ठंडे पानी से धोने से मोस्टली जो ताज़ा ब्लड होता है वो उसके साथ वॉश आउट हो जाता है। अगर आप उसको गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी से धोएंगे तो वो उसमें रम जाएगा, उसके जो अपनी चादर होती है उसके अंदर उसका कलर चढ़ जाएगा। तो उसलिए अपन सबसे पहले क्या करें कि मोटे तौर पे जो हीमोग्लोबिन, जो अपना ब्लड का लाल कलर जो होता है, उसको उठाने के लिए ठंडे पानी के साथ वो बहुत जल्दी हटता है। जैसे ताज़ा ब्लड गिरा, गिरते ही आप उसको ठंडे पानी से वॉश करें, एकदम सादे ठंडे पानी से उसको वॉश करें। मोस्टली 90% ब्लड है वो उससे रिमूव हो जाएगा, अगर आप करते ही उसको साफ करते हो तो। उसके बाद में अपन है वो साबुन और गर्म पानी, गर्म पानी, फिर गर्म पानी लें और फिर साबुन से उसको अच्छी तरीके से साफ करें, जो उसके बीच में थोड़ा बहुत रिमेनिंग ब्लड है। अब वो कोगुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो जो मोटे तौर पे हीमोग्लोबिन था वो ठंडे पानी के साथ वॉश आउट हो गया। अब अपन उसको साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरीके से धो लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर उसको धूप में सुखाएं, सनलाइट से वो एकदम बिल्कुल है वो कलरलेस हो जाएगा, एकदम बिल्कुल वाइट चादर है वो वाइट ही रहेगी। तो सबसे पहले जब ताज़ा ब्लड गिरते ही, पुराना धब्बा नहीं है, ताज़ा धब्बा है, उसको अपन ठंडे पानी से वॉश करें। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद में गर्म पानी और साबुन से उसको धो लें, धोके और अपने सनलाइट में उसको ड्राई कर लें, बिल्कुल धब्बा नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या करी अगले ने कि इट इज एन ओल्ड ब्लड स्टेन, सोक इट इन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अमोनिया फॉर सेवरल आवर्स। अगर आपके कोई पुराना धब्बा है तब अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया, लिक्विड अमोनिया होती है उसका जो मिक्सचर होता है, उसका जो सॉल्यूशन बना हुआ होता है, उसके अंदर अपन कुछ घंटे के लिए उसको छोड़ दें। मान लीजिए कोई चादर है तो जहाँ जहाँ ब्लड का धब्बा है उस एरिया को अपन उस सॉल्यूशन के अंदर अपन कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। किसके कौन सा सॉल्यूशन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया का जो मिक्सचर होता है, जो मिला हुआ जो पानी में मिली हुई होती है दोनों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया, उसको अपन पानी के अंदर घोल के और उसके अंदर अपन उस चादर को या जो भी अपना कपड़ा या जो भी ड्रेस है उसको अपन उसके अंदर कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। एंड देन वॉश इट विथ कोल्ड वाटर, देन विथ सोप एंड वार्म वाटर। कुछ घंटे के बाद में उसको ठंडे पानी से वॉश करें, ठंडे पानी से वॉश करने के बाद में फिर उसको गर्म पानी से वॉश करें। कहने का मतलब ब्लड है वो ठंडे पानी से पहले मोटे तौर पे बहुत ईजी हटता है, इसलिए अगर कोई पुराना धब्बा है, यानी आपको पहले से आपने ध्यान नहीं दिया या कोई पुराना धब्बा है ब्लड का, तो उसको अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन बना हुआ होता है पानी का, उसके अंदर उसको अपन डाल दें, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया के सॉल्यूशन को, मिक्सचर को बना के, और वो उसके अंदर उसे जो धब्बे वाला एरिया होता है चंद्र का, उसको उसके अंदर इमर्ज रखें और कुछ घंटे के लिए उसके अंदर उसको इमर्ज रखें, यानी डुबोया हुआ रखें। उसके बाद में उसको निकाल के ठंडे पानी से वॉश करें, ठंडे पानी से वॉश करने के बाद में उसको अपन साबुन और गर्म पानी से उसको वॉश करें। तो उसके द्वारा भी क्या है, अच्छी तरीके से उसका धब्बा, चाहे कितना ही पुराना धब्बा क्यों ना हो, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए पुराने धब्बे होने ही मत दो,
पुराना डब्बा होता है उसको हटाया तो जा सकता है, दूसरी बात इसको रगड़ रगड़ के साफ करेंगे कपड़े की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, यानी कपड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए अपन उसको ऐसी कोई दिक्कत आए ये तो तब है जब अपन ध्यान नहीं दें और वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तब अपन उसको हाइड्रोजन परोक्साइड और अमोनिया का जो मिक्सचर होता है सॉल्यूशन होता है उसके अंदर थोड़ा इमर्ज रखें घंटे दो घंटे के लिए, उसके बाद में अपन उसको ठंडे पानी से वाश करें, ठंडे पानी से वाश करने के बाद में साबुन और गर्म पानी से उसको वाश कर लें। तीसरा है द थिक ब्लड स्टेन ऑन द मैट्रेस अप्लाई थिक पेस्ट ऑफ स्टार्च एंड वाटर अलाउड टू स्टेन इन द सन व्हेन द पेस्ट इज ड्राई एंड डिसकलर्ड ब्रूस ऑफ द स्टेन। देखो स्टार्च सॉल्यूशन आता है, ये जैसे मान लीजिए अपना कोई गद्दा है और उसके ऊपर मोटा मोटी ब्लड की पपड़ी जमी हुई है उसको उठाने के लिए है, स्टार्च का पेस्ट बनता है अपना जैसे घोल बनता है ना ऐसे पेस्ट बनता है रबड़ी जैसा, वो पेस्ट बना के और वो जितना वो जो मोटा दबा ना अपने मैट्रेस के ऊपर उसके ऊपर उसको लगा दो, मोटा लगा दो उसे ऐसे उसके ऊपर परत बना दो उस किसकी स्टार्च की, स्टार्च पेस्ट के पानी में घोल के और उसकी परत बना दो, परत बना के और उसको सूखने के लिए छोड़ दो, गद्दे के ऊपर जो ब्लड गिरा हुआ है जितने दूर में उसके ऊपर एक स्टार्च पेस्ट की परत बना दो और वो जो परत है वो सूखेगी, सूखने से क्या होती है कि स्टार्च की विशेषता होती है कि वो ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें से गीला होगा गीला होता है जैसे वो सूखेगा सूखने से वो ब्लड को गद्दे से अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा, पूरे ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद में जब वो एकदम ड्राई हो जाता है सूर्य की रोशनी में नेचुरल रोशनी में उसके बाद में उसको ब्रश से ऐसे साफ करो पूरा उसके साथ ब्लड साफ हो जाएगा। ब्लड का अगर मोटा थक्का यानी ब्लड गिर गया है और उसके ऊपर जम गया है गद्दे के ऊपर जिसमें अपन पानी नहीं डाल सकते ज़्यादा, तो उसके ऊपर अपन स्टार्च पेस्ट का इस प्रकार से पूरी परत बना दो उसके ऊपर डब्बे के ऊपर और उसको घंटे दो घंटे के लिए एकदम सूखने दो, जब वो एकदम ड्राई हो जाता है उसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर वाइट स्टार पेस्ट होता है उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका ब्लडी कलर हो जाएगा यानी रेड कलर का हो जाएगा वो, और सूखने के बाद में और फिर जैसे अपन ब्रश से उसको साफ करेंगे या कोई कपड़े से उसको साफ करेंगे तो अच्छी तरीके से वो उसको ब्लड को साथ में वाश आउट कर देगा, यानी ब्लड को सोख लेता है वो, ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपन उसको साफ करें। तीसरा जो है वो है टी और कॉफी, चाय कॉफी बहुत गिर जाती है पेशेंटों की, बैठ के ऊपर चाय पी रहा पेशेंट गिलास छूट गया हाथ से ऐसे गिर गई, डालते समय गिर गई और किसी दूसरी चीज़ पे गिर गई, तो कपड़ों पे अगर चाय कॉफी का डब्बा होता है उसको कैसे हटाएं, द लाइनेन इज स्टेन विथ टी एंड कॉफी रिमूव इट बाई प्योर मिल्क, एक तो प्योर दूध जो होता है एकदम प्योर बिना पानी डाला हुआ एकदम कच्चा दूध होता है उससे चाय का डब्बा बहुत जल्दी हटता है, आपको पता है चाय जो है वो दूध को दूध में मिलाने से चाय का कलर जो होता है वो उसमें चढ़ जाता है, तो प्योर दूध से चाय का डब्बा बहुत जल्दी हटता है, आप प्योर दूध से अगर चाय गिरी हुई है उसको एकदम प्योर दूध से अपन अगर उसको धोएंगे तो जो ताज़ा चाय गिरी हुई होती है ना दूध क्या होता है चाय को इमुलसिफाई कर देता है घोल लेता है, इसलिए चाय का कलर है वो दूध के अंदर घुल के और वो चला जाएगा, तो प्योर दूध से या फिर प्योर मिल्क ओवर इट वॉशिंग देन इन कोल्ड वाटर, उसके बाद में अपन उसको ठंडे पानी से धो लें, यानी अगर कोई कपड़े पे तुरंत चाय गिरी है तो उसको ताज़ा दूध से धो के और फिर उसको ठंडे पानी से धोएं, एंड सोडियम कार्बोनेट विल रिमूव द स्टेन इफ नॉट कंप्लीटली गोन, लेमन जूस मे बी रब्ड या हाइड्रोजन परोक्साइड मे बी अप्लाइड, यानी सबसे पहले अपन दूध से धोएं उसको, दूध से अगर वो नहीं हटता है कंप्लीट रूप से अगर वो नहीं हटता है तो अपन उसको किससे हटाएं, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन होता है उससे उसको वॉश करें, सोडियम कार्बोनेट से भी अगर नहीं हटता है तो अपन नींबू का जूस या हाइड्रोजन परोक्साइड से उसको वॉश कर लें, लेमन जूस नींबू का जूस होता है नींबू का रस होता है उसको उस पर डाल कर फिर उसको रब करें उससे हट जाएगा या फिर हाइड्रोजन परोक्साइड से हट जाएगा, तो इस प्रकार से कई तरीके से अपन इसको हटा सकते हैं। साधारण तरीके से तो अपन क्या है कि जो प्योर दूध होता है उससे, लेमन जूस से, हाइड्रोजन परोक्साइड से और सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन होता है उससे अपन उसको वॉश करके हटा सकते हैं, तो दो तीन विधि है अपन किसी भी अपने पास जो भी अवेलेबल हो उससे अपन उसको हटा सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, लेमन जूस या हाइड्रोजन परोक्साइड, ये तो ज़्यादा गहरा दबाव होता है उसको हटा सकते हैं, बाकी जो तुरंत ताज़ा चाय गिरती है उसको अपन एकदम प्योर दूध से धोकर उससे भी अपन ठंडे पानी से धोकर हटा सकते हैं।
तीसरा जो है वो है पेंट और वर्निश। ये आपको पता है पेंट ये साधारण तरीके से नहीं हटता है। पेंट अगर किसी पे गिर गया और वो ड्राई हो गया तो वो हटाना मुश्किल होता है। पक्का पेंट गिरने से तो बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन आपको पता है जैसे ग्रीस अपने हाथों पे लग जाता है, आप ग्रीस को से कितने ठंडे पानी से वाश कर लो बिल्कुल नहीं हटेगा, कालापन उसका नहीं जाएगा, चिकनाहट नहीं जाएगी। और वही ग्रीस है उसको आप घास लेट के तेल से वाश कर लो हाथ को, तुरंत वाश आउट हो जाएगा। देखो कितना मतलब उसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ स्टेन रिमूवर के साथ उसका मैच होना चाहिए तभी वो सही हटता है। तो अपन जो पेंट और उसका जो है वो अपन किससे हटाते हैं, रिमूव द टर्पेंटिन एल्कोहल या इथर, इथर या टर्पेंटिन एल्कोहल जो होती है इससे अपने जो पेंट का दबाव वो बहुत जल्दी हटता है, वो घोल लेता है तुरंत उसको। और चाहे आप कितने साबुन से 10 बार धो लो वो नहीं जाएगा, कितने रगड़ लो कपड़ा खराब हो जाएगा लेकिन वो दबा नहीं जाएगा। इसमें जो है वो टर्पेंटिन एल्कोहल या इथर जो होती है, इथर या टर्पेंटिन एल्कोहल उससे पेंट के धब्बे पे डालो, डालते जैसे ही धोगे एकदम वाश आउट हो जाएगा। जैसे अपना ग्रीस होता है ना वो घास लेट के तेल से, जो अपने किरोसिन तेल होता है उससे बहुत ईजी हटता है। किरोसिन तेल से आप पूरे ग्रीस को वाश आउट कर सकते हो, जबकि साबुन से कितना भी पानी लगा लो उसके कालापन नहीं जाएगा, वो बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। तो सेम इसके साथ मैच होता है टर्पेंटिन एल्कोहल या इथर, इसमें से कोई सा भी हो टर्पेंटिन एल्कोहल से वाश कर लो या इथर से, उसको प्योर इथर होना चाहिए उसे वाश कर लो, अपने पेंट का दबा वो हट जाएगा। उसके बाद में है फ्रूट, फलों का जस वो जो जूस होता है वो गिर जाता है, फलों का रस कोई पीते समय कपड़ों पर गिर जाता है, तो इसको अपन किससे हटाएं, अप्लाई वार्म एल्कोहल, गर्म जो एल्कोहल होता है स्प्रिट होती है, गर्म स्प्रिट एंड सोप्टन हाइड्रोजन स्टेन एंड रब विथ साल्ट। अच्छा किससे हटाएं अपन, जो अगर अपने पास फ्रूट का जूस गिर गया है तो उसको अपन किससे हटाएं, वारम एल्कोहल और साल्ट नमक से, नमक का घोल, वारम एल्कोहल गर्म जो अपनी स्प्रिट आती है स्प्रिट को गर्म करके और फिर उसको नमक के पानी से वाश करो, साल्ट का जो सॉल्यूशन आता है उससे उसको वाश करो, उससे कौन सा डब्बा हट जाएगा, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस जो है उसको गर्म एल्कोहल से प्लस जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है यानी नमक का जो पानी होता है उसके द्वारा अपन अगर उसको साफ करेंगे तो उससे अपना धब्बा है वो हट जाएगा। और लास्ट है परस्पायरेशन, पसीना, पसीने के धब्बे कैसे हटते हैं, जैसे अपने कांख में पसीना आ जाता है, जहाँ जहाँ हवा नहीं लगती तो वहाँ पे पसीना आ जाता है, तो उसका धब्बा अपन किससे हटाएं, सोप एंड हॉट वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, यानी गर्म पानी में अमोनिया डाल दो थोड़ी सी, यानी गर्म पानी करो, गर्म पानी करके उसमें अमोनिया थोड़ा बहुत 2-3 ml, 1 liter पानी में 2-3 ml अमोनिया डाल दो और फिर अपने पास जो पसीने का जो पसीने वाला जो कपड़ा पसीने में सना हुआ है उस भाग को थोड़ा उसमें इमर्ज कर दो और फिर उसके अंदर वाश आउट कर लो साबुन के पानी से, अच्छे तरीके से वो हट जाएगा। यानी गर्म पानी में अमोनिया सोल्यूशन डालो थोड़ा सा, जैसे 1 liter के अंदर 2-3 ml है वो अमोनिया सोल्यूशन डाल दो, फिर उसको गर्म पानी में साबुन से वाश करो अच्छी तरीके से, और वाश करने के बाद में उसको सनलाइट में छोड़ दो, सनलाइट के द्वारा फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो पसीने का, पसीना बहुत आता है आपको पता है, पसीना तो अपने वैसे भी अपने बहुत आता है, अपने जब बहुत कठोर वर्क करते हैं तो पसीने का दबा बन जाता है, फिर उससे पीलापन आ जाता है, तो उस पीलापन जो उस पसीने के दब्बे को हटाने के लिए उसमें क्या होता है, इसमें अपने जो यूरिया क्रिएटिनिन अपने बॉडी अपशिष्ट पदार्थ हैं वही तो उसके अंदर जमा हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, वो कलर चेंज हो जाता है, तो उसको उठाने के लिए अपन गर्म पानी में अमोनिया डाल के और फिर उसको साबुन के पानी से वाश करेंगे तो डेफिनेटली वो धब्बे, पसीने के धब्बे हट जाएंगे। परस्पायरेशन का मतलब पसीना, पसीने के धब्बे हैं वो अपन गर्म पानी में थोड़ा सा अमोनिया डाल के और अमोनिया डाल के फिर उसको साबुन के पानी से वाश करेंगे तो वो डेफिनेटली वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये 4-5 प्रकार के जो धब्बे बनते हैं कपड़ों पे इसको अपन हटा सकते हैं। तो आज अपना चैप्टर पूरा, कल अपन न्यू चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।